आज हम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें चेतातंत्र यानी कि न्यूरॉन कोशिकाओं की क्षमता तो होती ही है, पर उसके साथ में वो कुछ हॉर्मोन्स भी उत्पादित करती है। न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाओं में से शुरू होने वाले ट्यूमर्स को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स कहा जाता है। अग्नाशय के भीतर भी विशेष न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं होती है जिन्हें आइलेट सेल्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं से अग्नाशय के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स उद्भवित होते हैं। अग्नाशय में होने वाले कैंसर में इनकी मात्रा केवल 7% है। हालांकि उनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अन्य अग्नाशयी ट्यूमर की नकल कर सकते हैं। उनका उपचार और इलाज का परिणाम भी अन्य अग्नाशयी ट्यूमर से थोड़ा भिन्न होता है। इसको हम NET यानी नेट भी कहते हैं। अग्नाशय NET को दो तरीकों में विभाजित किया जाता है। एक होता है फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल यानी कि गैर कार्यात्मक। फंक्शनल NET हार्मोन बनाते हैं जो कुछ लक्षण पैदा करते हैं। जो नॉन फंक्शनल NET होते हैं वो हार्मोन नहीं बनाते हैं। अधिकांश अग्नाशय के NET नॉन फंक्शनल होते हैं यानी कि वो हार्मोन नहीं बनाते हैं, और लक्षणों की कमी के कारण इन ट्यूमर का आमतौर पर निदान होने में थोड़ा समय लग जाता है। फंक्शनल NET के 5 प्रमुख प्रकार है। ये प्रकार उस हार्मोन पर आधारित होते हैं जो कोशिकाओं में से सामान्य रूप से बनते हैं। एक ट्यूमर में से कई बार एक से ज़्यादा भी हार्मोन्स बन सकते हैं। अगर पहले ट्यूमर की बात करें तो उसका नाम है इंसुलिनोमा, जिसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। इस ट्यूमर से हाइपोग्लाइसीमिया होता है यानी कि खून में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि ज़्यादातर इंसुलिनोमा गैर कैंसर युक्त होते हैं यानी कि कैंसर होने की संभावना लगभग 10% से कम होती है। दूसरा ट्यूमर है गैस्ट्रिनोमा, जिसमें से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन बनता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन पेट में से एसिड की मात्रा को बढ़ाता है जिसके कारण पेट में दर्द और गंभीर अल्सर होने की संभावना बनती है। तीसरा प्रकार है ग्लुकेगोनोमा। ये एक प्रकार का ट्यूमर है जो जिसमें से ग्लुकेगोन नामक हार्मोन बनता है। इस हार्मोन का कार्य इंसुलिन से एकदम विपरीत है यानी कि ये खून में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। चौथा प्रकार है VIPOMA, जिसमें से VIP यानी कि वाजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन बनता है। इस हार्मोन का कार्य होता है कि ये आंतों में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट को डायरिया यानी कि दस्त हो जाते हैं। पांचवा प्रकार है सोमेटोस्टेटिनोमा। ये इसके नाम के आधारित ये सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन की मात्रा खून में बढ़ाता है। इस हार्मोन का काम ये होता है कि ये अन्य हार्मोन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और गैस्ट्रिन, इन सब की मात्रा को रोकता है। NET का निदान यानी कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का आजकल निदान बढ़ता जा रहा है, और इसका मुख्य कारण इमेजिंग के तौर तरीकों और एंडोस्कोपी तकनीकों में होने वाले सुधार है। अग्नाशय NET के लिए जीवित रहने की दर कई कारणों पर निर्भर करती है। इसमें ट्यूमर का चरण यानी कि स्टेज, ग्रेड क्या है, व्यक्ति की उम्र क्या है, या फिर हमारे उपचार के तरीके कितने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अग्नाशय NET के लिए 5 साल की सापेक्ष जीवित रहने की दर यानी कि रिलेटिव सर्वाइवल रेट जब ट्यूमर फैला नहीं होता है, जब एक ही स्थान पर सीमित होता है, तो वो 95% होती है। अगर ये ट्यूमर आसपास के क्षेत्र में या फिर लिम्फ नोड्स में फैल गया है तो ये सर्वाइवल रेट 72% होती है, और अगर ये ट्यूमर शरीर के अन्य अंगों में फैल गया है तो सर्वाइवल रेट कम होकर 23-25% जितनी हो जाती है। अग्नाशय NET का सटीक कारण अज्ञात है। हालांकि 10% मामले किसी आनुवंशिक सिंड्रोम से संबंधित हो सकते हैं। इन आनुवंशिक सिंड्रोम के नाम कुछ इस प्रकार है: मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप 1, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 और वॉन हिपल लिंडाउ सिंड्रोम। ये सिंड्रोम एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित हो सकते हैं। अधिकांश अग्नाशय NET नॉन फंक्शनल होते हैं यानी कि वे किसी भी हार्मोन का उत्पादन नहीं करते हैं, इसलिए प्रारंभिक चरणों में उनमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। एक बार जब
साइज़ बढ़ जाती है तो वे पेट में दर्द, सूजन, उल्टी या मल में खून जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। फंक्शनल एनईटी के लक्षण उनके द्वारा उत्पादित हार्मोन पर निर्भर करते हैं। इंसुलिनोमा के लक्षण होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जो शरीर में थकान, घबराहट, कपकपी, चक्कर आना, दौरे और बेहोशी जैसी घटनाओं का कारण बन सकता है। गैस्ट्रिनोमा, जिसमें पेट में या छाती में अल्सर्स होते हैं, उसके कारण पेट या छाती में जलन होना या फिर दस्त हो जाना जैसे लक्षण पाए जाते हैं, ये जो पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण होता है। ग्लूकागोनोमा के लक्षण हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित हैं, यानी कि खून में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होना, जिसके कारण पेशाब बार बार आना, अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगनी, चेहरे या पेट पे दाने आना, खून के थक्के जम जाना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। वीआईपीओमा के लक्षणों में पतली दस्त होना, रक्त में बहुत कम पोटेशियम की मात्रा हो जाना, जिससे दिल की धड़कनें अनियमित होना, मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी होना और प्रतिक्रिया में कमी हो जाना, ये सब कारण होते हैं। खाने में अपचा भी इस बीमारी का एक लक्षण है। सोमेटोस्टेटिनोमा की बीमारी में डायबिटीज़ टाइप 2 यानी कि मधुप्रमेह का होना, पित्ताशय की थैली में पथरी होना, दस्त होना, वजन का कम हो जाना, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा कम हो जाना जिसके कारण खाने के पाचन में दिक्कत होती है और खून में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी कम हो जाती है। ऐसे कुछ परीक्षण हैं जो डॉक्टरों को इन ट्यूमर का पता लगाने में और चरणबद्ध करने में मदद करते हैं। क्रोमोग्रेनिन जैसे रक्त परीक्षण आमतौर पर अग्नाशय के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में बढ़े हुए पाए जाते हैं। जो कार्यात्मक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं उनमें इंसुलिन, गैस्ट्रिन या ग्लूकागोन जैसे विशेष हार्मोन का परीक्षण करके इसका निदान किया जा सकता है। सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन से ट्यूमर के सटीक स्थान, आकार और सीमा का पता लगाया जा सकता है। बहुत छोटे ट्यूमर के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ रोगी को बेहोश कर दिया जाता है और एक पतली लचीली ट्यूब मुंह के द्वारा डाली जाती है, जिसके सिर के हिस्से पर अल्ट्रासाउंड का मशीन होता है। मशीन अग्नाशय की बहुत उच्च गुणवत्ता वाली छवियां बनाता है। इस पद्धति के दौरान डॉक्टर बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे हम ट्यूमर का निदान कर सकते हैं। पेट स्कैन एक ऐसा परीक्षण है जो शरीर में रहे हुए ट्यूमर के स्थान का पता लगाता है। इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग अधिकांश ट्यूमर्स में स्टेजिंग के लिए किया जाता है। अग्नाशय की नेट की स्टेजिंग में डोटानोक पेट स्कैन या फिर डोटाटोट पेट स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है। उपचार की बात करें तो उपचार एनईटी के आकार, स्थान, ग्रेड, चरण और प्रकार पर निर्भर करता है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर अपनी आक्रामकता में व्यापक रूप से विभिन्न होते हैं। उपचार के विकल्पों में एक होता है सक्रिय निगरानी, यानी कि एक्टिव सर्वेलेंस। ये सलाह तब दी जाती है जब ट्यूमर बहुत छोटा होता है, आमतौर पर 1 सेंटीमीटर से कम साइज है उसकी, और वो कोई लक्षण पैदा नहीं कर रहा है। मरीज को लगातार अंतराल पर सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे परीक्षणों से गुजरना होता है। अगर सर्वोत्तम उपचार की बात करें तो वो ऑपरेशन है, यानी कि शल्य चिकित्सा है। ऑपरेशन से इस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और अधिकांश मामलों में उसके आसपास के अग्नाशय के कुछ हिस्से को एक हेल्दी मार्जिन के रूप में भी निकाला जाता है, जिसमें अग्नाशय का हेड का हिस्सा या बॉडी या टेल के हिस्से को निकाला जाता है। हालांकि कुछ एनईटी सौम्य यानी कि बिनाइन होते हैं, जिनमें सिर्फ हम ई न्यूक्लिएशन नामक ऑपरेशन की पेशकश करते हैं, जहां केवल ट्यूमर को ही हटाया जाता है और अग्नाशय के पार्ट को नहीं निकाला जाता है। कई बार पूरा ट्यूमर निकालना संभव नहीं होता है, फिर भी डॉक्टर ज़्यादातर ट्यूमर के हिस्से को निकालने की पेशकश करते हैं, क्योंकि इससे ट्यूमर से होने वाले सिम्टम्स जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों के ऊपर रोक आती है। ट्यूमर द्वारा उत्पन्न हुए कुछ लक्षण जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाएं भी दी जा सकती है, जिसके नाम है ऑक्टोटाइड या फिर सोमेटोस्टेटिन। जब ट्यूमर ऑपरेशन से निकाला नहीं जा सकता है तो कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेप्टाइड रिसेप्टर न्यूक्लियोटाइड थेरेपी नामक एक विशिष्ट प्रकार की रेडिएशन थेरेपी है, जो मेटास्टेटिक यानी कि स्टेज 4 न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में इस्तेमाल होती है।
अगर आप या आपके किसी रिश्तेदार इस बीमारी से पीड़ित हैं तो अपोलो हॉस्पिटल की मुलाकात ले सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का इलाज संभव है।